So this was the question. The line joining the vertices of a tetrahedron to the centroids of opposite faces are concurrent, right? ये हमें प्रूव करना था. सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टेट्राहेड्रन दिखता कैसा है ना. आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा कि जो डायमंड का शेप भी होता है वो भी कैसा होता है, टेट्राहेड्रन ही होता है, राइट. कार्बन के जो आपके अलग अलग एलोट्रॉप्स हैं, ये तो टेट्राहेड्रन कुछ इस टाइप से होता है, राइट. ये 3D एनिमेशन मैंने इसलिए बनाया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली टेट्राहेड्रन किस तरीके से दिखता है. चार सर्फेसेज हैं इसमें, समझने की बात यह है, ठीक है. तीन तो आपके ये वाले सर्फेसेज हैं जिसको आप कह सकते हो लैटरल सर्फेस एरिया, और एक तुम्हारा बेस है ना. तीन तुम्हारे लैटरल सर्फेसेज हैं. व्हाट आर द लैटरल सर्फेसेज दैट स्टैंड्स ऑन अ बेस. तो टोटल यहाँ पे हमारे पास चार ट्राइंगल्स हैं. अगर आपको बहुत क्लैरिटी से इस एनिमेशन में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो आओ अब इसको सॉल्व करने की तरफ मूव करते हैं, ठीक है. लेट्स मूव. ये मैंने कुछ इस टाइप से इसको ड्रॉ कर लिया, राइट, सेम थिंग. तो अब तुम्हें इतनी क्लैरिटी तो हो गई है कि ये बेस को मैं लेट्स से ए बी सी कहता हूँ, ठीक है. एंड आई विल बी यूजिंग वेक्टर्स टू सॉल्व ऑल दिस. और ये जो मेरे पास टॉप है लेट्स से इसको मैं डी कहता हूँ, ठीक है. द लाइंस जॉइनिंग द वर्टिसेस. अब देखो सेंट्रॉइड क्या होता है ये भी आप जानते हो, राइट. सेंट्रॉइड हर ट्राइंगल में होता है. सारे ट्राइंगल्स के अगर मैं मीडियंस को ज्वाइन कर दूँ तो मुझे सेंट्रॉइड मिल जाएगा. तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, चार ट्राइंगल्स हैं बच्चों, ठीक है. तो बहुत ध्यान से हमें चीज़ों को थोड़ा सा, मतलब ईजी है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है. आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सा क्वेश्चन ये हो सकता है वेक्टर्स से, ठीक है. तो चलो देखो पहले ट्राइंगल्स को मैं आइडेंटिफाई करूंगा. और एक चीज़ और, आपको पता है कि आप ओरिजिन अपने कन्वीनियंस से कुछ भी ले सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो फॉर द सेक ऑफ ईजी कैलकुलेशन आई वुड लाइक टू टेक वन ऑफ देम एज द ओरिजिन. मैं डी पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर करना चाहता हूँ. इससे क्या होगा, मुझे पोजिशन वैक्टर के रेफरेंस में सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है. सो आई होप यू रियलाइज ऑल दिस कि मैं यहाँ पे टेट्राहेड्रन पहले समझ रहा हूँ. टेट्राहेड्रन क्या है, राइट. चार सर्फेसेज हैं, चारों सर्फेसेज मेरे पास ट्राइंगल हैं, एक बेस है और तीन लैटरल सर्फेसेज हैं, ठीक है. उसके बाद हमने इसमें ए बी सी डी एक टेट्राहेड्रन लिया था. इसमें डी पॉइंट को मैंने इंटेंशनली ओरिजिन लिया है सो दैट द कैलकुलेशंस आर इजियर टू हैंडल, ओके. तो ये मेरे पास टेट्राहेड्रन है, इसमें चार ट्राइंगल्स हैं. अब ये जो चार ट्राइंगल्स हैं इसको मैं बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा. ये एक तो तुम्हारा बेस का ट्राइंगल ए बी सी, फिर ये जो तीन लैटरल ट्राइंगल्स हैं इसको मेंशन करते हैं. एक हो जाएगा ओ ए बी, राइट. आई एम श्योर आपको डायग्राम में थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा, ओ बी सी. एंड देन द थर्ड वन इज ओ सी ए, फोर्थ वन रादर, राइट, ओ सी ए, ठीक है. दीज आर दी फोर ट्राइंगल्स जो हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं. अब इसमें बहुत आसानी से इनके जो सेंट्रॉइड हैं, इन ट्राइंगल के जो मेरे पास सेंट्रॉइड हैं उसको मैं कुछ भी एज्यूम कर लेता हूँ. लेट्स से आई एज्यूम इट टू बी जी, आई एज्यूम इट टू बी जी वन, जी टू एंड जी थ्री, ठीक है. जब कभी भी सेंट्रॉइड में, जैसे आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में जब हम लोग मीडियंस को ज्वाइन करते हैं, राइट, किसी भी ट्राइंगल में जब हम लोग मीडियंस को ज्वाइन करते हैं, राइट, ये मीडियन बड़ा अच्छा नहीं बना, मैं बड़ा सा बनाता हूँ. लेट्स से हियर, राइट, मीडियंस यानी कि अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा. तो अगर मैं सारे मीडियंस को ज्वाइन करूँगा, राइट, सारे मीडियंस को ज्वाइन करूँगा, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है इसी को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं. दैट हैपेंस इन अ ट्राइंगल. तो ये जो मेरे पास जी वन, जी टू, जी थ्री, ये सब क्या हैं, जी हैं, ये सब क्या हैं, ये सेंट्रॉइड्स हैं रिस्पेक्टिव ट्राइंगल्स के. तो हम इस बात को जानते हैं कि ये जो सेंट्रॉइड होता है, राइट, ये सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन को, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है. ये वाला फैक्ट हम जानते हैं और इसी फैक्ट को यूज़ करके हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर रखा है. अगर मैं इस ए के पोजिशन वैक्टर को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूँ, बी के पोजिशन वैक्टर को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करूँ और सी के पोजिशन वैक्टर को अगर मैं स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करूँ, तो इन ट्राइंगल ए बी सी इसमें जो मेरे पास जी आएगा, राइट, इसमें बीच में कहीं पे ये देखो यहाँ पे, क्योंकि 3D डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है तो आप थोड़ा बहुत इसमें चेक भी कर सकते हैं. हालांकि मैं सारे बनाऊंगा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट आप इजीली समझ सकते हैं कि ये जो जी है मेरे पास वो यहाँ पे है, राइट, इन द बेस ट्राइंगल, ठीक है. तो जी के जो पोजिशन वैक्टर्स होंगे इसके लिए हम लोगों ने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला कर रखा है ऑलरेडी सेक्शन फॉर्मूले से, राइट. वॉट इज दैट, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी. तो जी का जो पोजिशन वैक्टर आएगा मेरे पास, राइट, इसको मैं ओ जी बोल लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज ऐसे जी नहीं लिख सकते. तो ओ जी का जो पोजिशन वैक्टर आएगा, जी पॉइंट का जो पोजिशन वैक्टर आएगा, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन थ्री, ठीक है. इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो. मैं आपको हिंट देता हूँ, पहले हमने शायद ज़रूर से किया होगा. ये तुम्हारा जो पॉइंट है, लेट्स से तुम ए पॉइंट की बात करो, तो ये ए डी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो तुमने डी के
पोजिशन वेक्टर्स निकाल लिए, कितना हो जाएगा बी प्लस सी बाई टू, राइट। डी का तुमने कितना देख लिया, बी प्लस सी बाई टू, राइट, बी प्लस सी बाई टू। और ये जो आपका ए जी डी है, इसमें पॉइंट जी किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप अगेन यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यू अराइव एट दिस कंक्लूजन, ठीक है। आई होप यू फाइंड दैट इजी, फाइन चिल्ड्रेन। तो इस तरीके से हम लोग ओ जी का पोजिशन वैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड सिमिलरली जी वन जी टू ये जो मेरे पास पॉइंट्स हैं इनका भी पोजिशन वैक्टर मैं डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ, दैट इज ओ जी वन, राइट। ओ जी वन का पोजिशन वैक्टर कितना हो जाएगा, ओ जी वन, ओ जी वन मेरे पास ट्राइंगल कौन था, ओ ए बी, दिस वॉज ओ ए बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो, ए प्लस बी, तो कितना आएगा बच्चों, दैट विल बी ए प्लस बी ओवर थ्री, ठीक है। सिमिलरली दिस इज ओ जी वन, देन वेन आई मूव टू ओ जी टू द सेकेंड ट्राइ द थर्ड ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी की तरह ये रहा ओ बी सी, ठीक है। ओ बी सी में इसमें क्या आएगा मेरे पास, बी प्लस सी बाई थ्री, दैट इज बी प्लस सी बाई थ्री, बिकॉज जीरो में ऐड भी करूंगा तो क्या फर्क पड़ रहा है ना, बिकॉज ओरिजिन तो जीरो ही है, the position vector of origin is 0, and then I move to the fourth centroid, the fourth triangle OG3, that is OCA, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, C और A के position vectors आएंगे, जिसको मैं लिख सकता हूँ A plus C upon 3, तो इस तरीके से तुमने G1, G2, G3 और G, इन सब के तुमने position vectors calculate कर दिए। जैसे आपको यहाँ पे medians के बारे में पता है, कि medians जो होते हैं हमारे पास, ये देखो ये मुझे यहाँ पे रब नहीं करना चाहिए था, आई होप मैंने ए बी सी यही लिखा था, एक बार चेक कर लेना, राइट, लेट मी चेक दैट, यस ठीक है, राइट, इट इज देयर। तो एक्चुअली ये बीच की ये चीज़ें रब करना चाह रहा था, सो दैट इफ आई ड्रॉ एनीथिंग एल्स इट डजंट, इट इज नॉट मेस्ड अप, ओके, दैट वाज द पर्पस। चलो देखो ये मैंने ए बी सी ट्राइंगल एज इट इज से क्रिएट कर दिया टेट्राहेड्रॉन को, और अब जैसे यहाँ पे 2:1 होता है किसी भी ट्राइंगल में, जब तुम किसी भी, जैसे ये तुम्हारे पास क्या है, दिस इज योर जी सेंट्रॉइड, जब आप किसी सेंट्रॉइड को कभी भी अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हो, द लाइन कनेक्टिंग द सेंट्रॉइड टू द अपोजिट वर्टेक्स, राइट, जब आप ऐसे ही ये सारे के सारे सेंट्रॉइड को अपोजिट वर्टेक्स से कनेक्ट करते हैं, तो ये इसकी भी एक फिक्स रेशियो होती है, एंड दैट इज 3:1, दैट इज वॉट, दैट इज 3:1, जैसे वहाँ पे 2:1 होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, 3:1 का रेशियो होता है, राइट। अब अगेन ये वाली फैक्ट आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो यू शुड राइट इट डाउन, ठीक है। सेंट्रॉइड, आई होप द डायग्राम इज क्लियर एंड यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे अगर मैं सपोज करो इस पॉइंट को लेट से एच कह देता हूँ, ठीक है, एच यहाँ पे, ये क्या, दिस इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी भी टेट्राहेड्रन का ये क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। फिजिक्स वाले बच्चे, पीसीएम वाले बच्चे ये सब चीज़ों को थोड़ा बेहतर समझ पाते हैं, बाकी भी आपको मैथ्स में ये कॉन्सेप्ट तो आपको दिख रहा है, क्लियरली पिक्चर में नजर आ रहा है। तो ये एच क्या है मेरा, ये टेट्राहेड्रन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मुझे एक्चुअली में चाहिए क्या, मुझे इस पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब कोई भी टेट्राहेड्रन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अगर 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो लेट से मैं OG के रेफरेंस में पहले H की कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, ठीक है, H की कोऑर्डिनेट मैं OG के रेफरेंस में निकालता हूँ, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट OH, राइट, लेट अस टॉक अबाउट OH, तो मैं OH के रेफरेंस में जब मैंने देखा तो O के लिए तो ये 0 है और ये 3:1 है, तो 1:0 की सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, ठीक है। G का तुमने ऑलरेडी पोजिशन वेक्टर निकाल रखा है, तो 1:0 प्लस 3:g, जी का कितना था, ये सब कुछ था, तो ध्यान से देखो 3 ऊपर का जो मेरे पास है वो 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट, 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, दैट विल बी कैंसिल्ड आउट, एंड डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, 1+3, ठीक है, इट इज ऑलवेज एम प्लस एन, सेक्शन फार्मूला, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, दिस इज कमिंग आउट टू बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 4, ये हमने ओ एच की वैल्यू बताई है, यानी कि वी हैव गॉट द पोजिशन वेक्टर ऑफ एच इन रेफरेंस टू द मीडियन ओ जी। सिमिलरली वील नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ एच इन रेफरेंस टू द मीडियन, लेट्स कॉल इट सी ई, ठीक है। अगर मैं इसको, बल्कि सी जी नहीं, ये ओ ए बी पे मेरे पास जो था, ओ ए बी पे जो था वो जी वन था, वेल कॉल इट जी वन, ठीक है। तो ये जो एच पॉइंट अगर मेरे पास जी वन पे है, तो ये 3:1 का रेशियो तो सेटिस्फाई होना ही है। अब सिर्फ देखते हैं क्या 3:1 के रेशियो में क्या आर वी गेटिंग द सेम थिंग, लेट अस ट्राई एंड कैलकुलेट, ठीक है। तो अगर मैं एच का पोजीशन वेक्टर देख रहा हूँ, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा कैसे होता है, पोजीशन वेक्टर हमेशा विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ही होता है, तो कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ जी वन, 3 टाइम्स ऑफ जी वन, जी वन कितना था बच्चों, दिस वॉज दिस,
थ्री टाइम्स ऑफ जीवन जब मैं करूंगा तो मुझे क्या आने जा रहा है, ए प्लस बी आने जा रहा है, प्लस वन टाइम्स ऑफ सी, सी कितना था तुम्हारे पास, क्वेश्चन वेक्टर ऑफ सी वॉज दिस, राइट, पॉइंट सी का ये था, तो सी डिवाइड बाई वॉट, थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन या वन प्लस थ्री, जैसा भी आप करना चाहो. आर यू गेटिंग द सेम पॉइंट? यस, वी आर गेटिंग द सेम पॉइंट. एंड सिमिलरली आई विल गो एंड फाइंड द थर्ड साइड एज वेल, यानी कि मैं इस ट्राइंगल के रेफरेंस में भी इसको देख लूंगा, ठीक है. अभी जैसे मैंने सी के रेफरेंस में देखा, अब मैं बी के रेफरेंस में भी इसको देख लूंगा. तो आप ऐसे टोटल चार साइड से इसको वेरीफाई करेंगे और चारों साइड से आपको ये रियलाइज हो रहा है दैट द पॉइंट एच इज हैविंग अ कॉमन वेक्टर, राइट, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी एग्जैक्टली सेम है. तो व्हेन वी कंसिडर दीज फोर ट्राइंगल्स एंड वी लुक इन टू द figures and the position vector of point h, they are getting the same position vector. That simply means that the same point is there and hence they are concurrent. Shreyansh, is it okay, beta? Yes, sir.